हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अगैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलेख पढ़े नहीं जा सकते। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अगला, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्थ युग के अधिकांश औजार स्फटिक अर्थात पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगले वीडियो देखने के लिए।